जैसे गांधी जी ने कहा था कि क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस, लेकिन दुर्भाग्य से गांधी जी की बहुत सारी यादों को हम भूल गए। उस तरह से इस नारे को भी हमने नज़रअंदाज कर दिया। ये गंदगी फैलने से बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती है, लोगों को परेशानी होती है। मैं मानता हूँ ये इसीलिए हमने एक नई डायरेक्टरेट खोल रहे जो पूरी तरह से देश में इंटीग्रेटेड मैनर में क्लीनलीनेस को देखेगी। इसके लिए मैं हमारी कोशिश रहेगी कि 3-4 चीज़ें। एक तो आप अपना खुद का खाना खुद ऑर्डर कीजिए, ई कैटरिंग, यानी जो आपके मन में है। मैं महाराष्ट्र का हूँ, इसके लिए ये बात कह रहा हूँ कि बटाटा वड़ा चाहिए जो महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। तो बटाटा वड़ा भी अलग अलग तरह से मिलता है, तो मैं आपके अपने चाहिए वो बटाटा वड़ा ऑर्डर कर सकता हूँ ई कैटरिंग से। तो जहाँ जिसका दुकान वो आके आपको डिलीवर करेगा। तो ये मैं मानता हूँ ये इस तरह का हमने ई कैटरिंग शुरू किया। साथ में जो हमारी बेस किचन है उसको भी ठीक करने के लिए हम लगे हुए 50-60 बेस किचन अच्छी बनाएंगे, तो मुझे लगता है लोगों को अच्छा खाना मिलेगा। खाने की स्थिति में भी यही साल में हम 100% उसमें चेंज करने की कोशिश। ई कैटरिंग तो शुरू हो गया, अभी 150 ट्रेन में करीबन ई कैटरिंग शुरू हो गया। तो लोगों को ये मिलेगा कि आपको जो चाहे वो खाना मिल सकता है, लेकिन जो बेस किचन बनाने में समय लग सकता है, लेकिन ये साल में हम काम करेंगे। एक दुर्भाग्य से हमारे 40-50 साल से हमने हमारी रेल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ोतरी नहीं दी, लेकिन काम ये किया नई ट्रेन छोड़ना चालू कर दिया। तो अभी ये स्थिति है कि बहुत सारी ट्रेन जैसे खास करके यूपी बिहार में जाने वाली जो गाड़ियाँ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 150% से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यानी उसकी कैपेसिटी 100 है तो 150 गाड़ियाँ जाए, 100 गाड़ियाँ जा सकती हैं तो 150 गाड़ियाँ जा रही है। इसके लिए कुछ भी छोटी सी भी हरकत हो जाती है तो गाड़ियाँ लेट हो जाती है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है ऑगमेंटेशन कैपेसिटी यही उसके सोल्यूशन है। इसके लिए बजट में हमने सबसे ज़्यादा प्रावधान कैपेसिटी एडिशन, डबलिंग, ट्रिपलिंग, साइडिंग, ट्रैफिक फैसिलिटी जो लूप ने बनाना, इसके लिए जो ट्रेन जा रही है तो कम से कम उसको रुकना ही है तो बाहर जाके रुके ताकि दूसरी ट्रेन जा सके उसी ट्रैक के ऊपर। इस तरह के अलग अलग बिंदुओं के ऊपर काम कर रहे हैं। 2-3 साल में तो इसका डेफिनेटली इसमें आपको ज़रूर उसमें ऊपर आपका लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि नई ट्रैक बनाने के लिए भी 2-3 साल तो मिनिमम लगते ही लगते, तो 3 साल में लगेंगे। लेकिन हमारी ये भी कोशिश है कि बीच में ही हम किस तरह से और समय से जैसे कि हम जो ट्रैफिक फैसिलिटीज़ है जैसे लूप बनाएंगे या साइडिंग बनाएंगे, वो काम 1-1.5 साल में भी हो सकता है। जो रिजर्वेशन की जो स्थिति है उसमें तो हम 2-3 महीने में ज़रूर बदलाव लाएंगे। हमने 5 मिनट का भी ऑपरेशन 5 मिनट चालू किया कि 5 मिनट में आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ करें, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी और कुछ काम करने की ज़रूरत है। IRCTC जैसी संस्था का हम लोग ज़रा टेक्निकल ऑडिट भी कराएंगे ताकि ये जानकारी हो कि क्या सही माने में जानबूझ के तो कोई गलती नहीं कर रहा है, ये देखना भी आवश्यक है। आज हमारी पूरी देश में समाज में महिलाओं की सुरक्षितता एक अहम मुद्दा बन गया है। इसके लिए हम ये कोशिश करें पूरी तरह से कि महिलाओं को किस तरह से सुरक्षितता दी जाए। उसमें काफ़ी कदम उठाए। उसमें एक है कि कोई भी महिला सिर्फ अपनी सुरक्षितता के लिए उसके लिए डेडिकेटेड नंबर किया है, वो इस नंबर पर फ़ोन करें, हेल्पलाइन मिलेगी और तुरंत सिर्फ उनकी सुरक्षितता के लिए मिल जाएगा। दूसरा हमने मुंबई में उसका लॉन्च किया था, पूरे देश में अभी करने जा रहे। एक ऐप बनाया है, यदि महिला उसको पुश करती है तो ऑटोमेटिकली उसका सिग्नल अगले स्टेशन पे भी जाएगा, पूरी जो पुलिस की व्यवस्था है उसको भी उसका संदेशा दिया जाएगा और वो फ़ोन कर उसके रिलेटिव्स को भी पता चलेगा। तीसरा हम निर्भया फंड जो है जो हम उसका भी इस्तेमाल इस काम के लिए करने जा रहे हैं। महिला वाहिनी बनाने की हमने बात की थी, उसके लिए वित्त मंत्रालय से हम उनकी परमिशन मिलने की वेट कर रहे हैं। उसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के बोगीज़ में रखने की कोशिश करेंगे। आप ट्रेन में से चलती गाड़ी में से भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और उसका इमीडिएटली रिस्पांस आपको अगले स्टेशन आने के पहले मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। इसमें भी यदि कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी उसका ट्रैक किया जाएगा। पहले क्या था, कंप्लेंट किया किसी को मालूम नहीं था, अभी जो कंप्लेंट आती है उसका ट्रैकिंग किया जाता है। यानी समझो कोई ने जानबूझ के उसके ऊपर एक्शन नहीं ली तो उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी, इस तरह की व्यवस्था की गई। ये तो एक बहुत ही ज़रूरी बात है। इसके लिए हमने एक IRCTC करके जो कंपनी है वो जो पूरी तरह से रेलवे इंडियन रेलवे टूरिज़्म एंड केटरिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ोतरी देने के लिए उनको भी हमने कहा गया, उनके पास भी अभी काम चल रहा है। साथ में हमने बजट में मैंने कहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से लाएंगे कि जो हमारी ट्रेन जाते हैं उसमें एक दो बोगी जो खुद बनाए अपने पैसे से और वो बहुत ही शानदार हो, उसके लिए चार्ज कितना चाहे वो चार्ज वो लगा सकते हैं। हम रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे रेलवे के साथ में और वो लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। जैसे हमारी ट्रेन वहीं यहाँ से जम्मू तक जा ही रही है तो उसमें दो डिब्बे ऐसे लगा दिए कि जो पूरी तरह से अच्छी हाई एंड है, वो टूरिस्ट तो पैसा देना चाहेगा जो चाहता है वो, तो उसमें से जा सकता है। तो ये लोग निजी क्षेत्र के लोग भी लगा सकते हैं इसको, इस तरह से भी हमने काम करने की शुरुआत की। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो रेल के प्रति लगान है, प्यार है, प्रेम है, उनकी आस्था है, वो मैं मानता हूँ कहीं कभी हमने पहले नहीं देखी थी। तो उनका कहना है कि पूरी रेल को ठीक करने के लिए जो अलग अलग कदम उठाने की ज़रूरत है उसमें एक ये भी कदम होना चाहिए कि रेल में रेल के बारे में ही पढ़े हुए लोग रेल में आए। इसीलिए यूनिवर्सिटी का ऐलान उन्होंने किया था। हम दो तरीके से उस तरफ देख रहे हैं। एक तो हम जो अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम मटेरियल साइंस के ऊपर एक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे उनकी स्मृति में उन्होंने जो काम किया उसकी यादगार में एक चेयर बनाने जा रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में हम उसी तरह से एक नई तरह से एक नई दिशा को खोल रहे हैं। साथ साथ में एक तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी को टाइप करने की बात हुई। दूसरी बात हम करें कि जितने भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अपग्रेड करें ताकि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी एक नेटवर्क बने और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा एक उसी तरह से जो विश्वविद्यालय में काम होता है उसी तरह का काम ये ट्रेनिंग स्कूल को इकट्ठा करने के बाद हो। और तीसरी बात, हम फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। उसी लिए शायद अभी कानूनन संशोधन चल रहा है कि किस तरह से करना चाहिए, क्या नया बिल लाना चाहिए या हम यू जी सी के आज की जो नीतियाँ हैं उसके तहत कर सकते हैं, इसके ऊपर सब काम कर रहे हैं।